आपके घर में कितने लीटर क्षमता की पानी की टंकी होनी चाहिए, यह कैसे निकालेंगे? परिवार में जितने सदस्य हैं उनको पूरे दिन में कितने लीटर पानी की ज़रूरत है, यह कैसे निकालेंगे? पानी की ज़रूरत के मुताबिक, जैसे 1000 लीटर, 2000 लीटर या फिर और उससे अधिक, उसके मुताबिक पानी के टैंक का साइज आप कैसे निकालेंगे? पानी की टंकी वास्तु के मुताबिक किस स्थान पर होनी चाहिए? हेलो फ्रेंड, इस चैनल में आपका स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि आपके घर में जितने लोग रहते हैं उनके अनुसार आपके घर में रोज़ कितने लीटर पानी की ज़रूरत है, यह कैसे निकालते हैं। इसे निकालने का जो फार्मूला है और जो कैलकुलेशन है, वह सभी एग्जाम्पल के साथ आप इस वीडियो में जान पाएंगे। इसके बाद आप जानेंगे कि आपके घर में रोज़ जितने लीटर पानी की ज़रूरत है, जैसे कि 2000 लीटर, 3000 लीटर या और उससे ज़्यादा, उसके अनुसार पानी के टैंक का साइज कैसे निर्धारित करते हैं, यानी कि टैंक की लंबाई, चौड़ाई और गहराई कैसे तय करते हैं। और आखिर में आप जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार पानी के टैंक का उचित स्थान कौन सा है। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें और इसे आखिर तक ज़रूर देखें। आप में से जो भी लोग इस चैनल से अभी नए जुड़े हैं, वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, ताकि इस टाइप की और मौलिक वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे, हमें चाहिए कि जो फैमिली है उसके अंदर कितने पर्सन्स हैं, यानी कि कितने मेंबर हैं। तो यहाँ पर हम जो कंसिडर कर रहे हैं वो है 7 नंबर। दूसरा है हमारा कि रिक्वायर्ड वाटर पर पर्सन पर डे फॉर डोमेस्टिक एंड नॉन डोमेस्टिक पर्पज, यानी कि पर पर्सन पर डे, यानी कि एक आदमी को एक दिन में कितने लीटर पानी की ज़रूरत है डोमेस्टिक और नॉन डोमेस्टिक पर्पज के लिए। ये है 135 लीटर पर हेड पर डे, LPHD, यानी कि लीटर पर हेड पर डे। अब यहाँ पर एक है नोट, हालांकि ये यहाँ पर अप्लाई नहीं है, मगर जब हम नेक्स्ट वीडियो में किसी हाई राइज बिल्डिंग के लिए या किसी टावर के लिए जब हम ओवरहेड टैंक का या अंडरग्राउंड टैंक का जब हम कैपेसिटी डिज़ाइन करेंगे कि इस पूरे टावर के लिए जो वाटर टैंक है वो कितने लीटर का होना चाहिए और उसका साइज़ क्या होना चाहिए, तो वहाँ पर ये काम आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 135 लीटर तो हमारा 100% की रिक्वायरमेंट है, इसका जो 70% है वो हम डोमेस्टिक यूज के लिए लेते हैं और जो 30% है वो नॉन डोमेस्टिक यूज के लेते हैं, जैसे फ्लशिंग इत्यादि। तो यहाँ पर इसका कोई ख़ास महत्व नहीं है, बट ये है कि ये अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर भी ये मेंशन होगा, मगर ये आप अभी यहाँ पर नोट कर सकते हैं। थर्ड नंबर है रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब हम यहाँ पर चलते हैं, देखिए नंबर ऑफ पर्सन्स जो हैं वो हैं 7, रिक्वायर्ड वाटर कितना है 1 पर्सन लीटर पर हेड पर डे 135। यहाँ पर हमने 100% कंसिडर किया है, 70 और 30 नहीं करा है, क्योंकि ये एक फैमिली है, यहाँ पर दो दो पार्ट नहीं किए जा सकते। तो रिक्वायर्ड लीटर आ गया, रिक्वायर्ड वाटर इन लीटर आ गया कितना, दिस इंटू दिस इंटू दिस, यानी कि 945 लीटर। और अब यहाँ पर हमने 50% एक्स्ट्रा ऐड किया है कि प्लस एंड माइनस, तो 50% एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद ये जो इसकी क्वांटिटी है ये हो गई है कितनी, 1086.75, यानी कि इसको हम 1087 कह सकते हैं लीटर। तो अब इस 1087 के लिए हमें टैंक चाहिए, वो कि उसका साइज़ क्या होगा वो अब हम यहाँ देखते हैं। नीचे देखिए 4th नंबर है साइज़ ऑफ टैंक। साइज ऑफ टैंक में हमने लिखा है 1.1 मीटर इसकी लेंथ है, 1.1 मीटर इसकी विड्थ है और इसकी हाइट है 1 मीटर। तो इसका हम सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम जो है क्यूबिक मीटर में कितना आ गया, दिस इंटू दिस इंटू दिस इक्वल टू 1.21 क्यूबिक मीटर। अब 1.21 क्यूबिक मीटर में कितने लीटर पानी आएगा, ये यानी कि 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर पानी आता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यानी कि दिस मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो कितना आएगा 1210 लीटर, यानी कि ये जो हमारा टैंक बना कितना, जिसकी लंबाई है 1.1 मीटर, जिसकी चौड़ाई है 1.1 मीटर, जिसकी गहराई है 1 मीटर,
उसमें कितने लीटर पानी आ गया, 1210 लीटर। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पर, यानी कि हमें ऐसे हम साइज़ निकालेंगे। अगर क्वांटम ज़्यादा हो, नंबर ऑफ पर्सन से ज़्यादा हो, तो हम क्या करेंगे, हमें याद रखना है कि एक क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर पानी आता है। तो जितने भी क्यूबिक मीटर होगा उसको हम मल्टीप्लाइड बाई 1000 करेंगे तो वो पानी आ जाएगा। और उसी प्रकार से टैंक का साइज़ भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको 4000 लीटर चाहिए तो आपको 4 क्यूबिक मीटर उसका वॉल्यूम लाना हो। अब बात आती है कि वास्तुशास्त्र के मुताबिक ये किस स्थान पर होना। तो एक्चुअली जो हमारा उत्तर पूर्व जो है, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट में ये होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।